guys, it's Shubhangi. Welcome to my channel. So today I will be using this basic सी pencil to create some really crazy art stuff. Because हम लोग हमेशा रंगों के पीछे भागते हैं, especially मैं तो बहुत ज़्यादा भागती हूँ. So I thought क्यों ना मैं एक dedicated video बनाऊँ art things to do when you are bored using pencil. Yes. I know this is way too exciting and aap log bahut zyada excited hoge video dekhne ke liye, but I have something really special to share it with you guys. So when aapse kuch time pehle pucha tha, bataya bhi tha ki main soch rahi hu apna khud ka course design karne ka, and aap log bahut zyada excited ho gaye the wo cheeze jaan ke, sun ke, soch ke, samajh ke. So maine socha aaj main aapko sab kuch bata hi deti hu, because that course is live now. So yes guys, I am starting a new phase in my life as an educator, as a tutor. Main apna short course launch kar rahi hu an academy mein, which is a edtech platform. Sach mein main apna heart and soul and sab kuch laga ke course design kar rahi hu. And isme ek special cheez batau, kya hai? This is not a recorded one, this is going to be a live session jisme hum log आपस में साथ में इंटरैक्ट कर पाएंगे. मैं आपके लाइव क्वेश्चंस ले पाऊंगी एंड गेस व्हाट, मैं लाइव पेंटिंग करूंगी. यस, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ बताने वाली हूँ. अभी क्या होता है ना, यूट्यूब पे वेन एवर आई एम शूटिंग, मुझे उन्हीं 5 मिनट में आपको सारी बातें करनी होती है, अपनी स्टोरीज भी सुनानी होती है, अपना इंट्रोडक्शन भी देना होता है एंड पेंट भी करना होता है. तो इस बीच ना हम काफ़ी डिटेल्स भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं. बट विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स मैं आपके साथ टाइनी से टाइनी बिट्स एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ शेयर कर पाऊंगी. एंड इमेजिन अगर हम 2 दिन तक कंटिन्यूसली आपस में मिल पाएंगे तो हम कितनी सारी चीजें एक्सप्लोर कर पाएंगे और मैं आप लोग को कितना ज्यादा बता पाऊंगी. शॉर्ट कोर्स स्पेशली है वाटर कलर पेंटिंग के लिए एंड आई विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट. कैसे स्टार्ट करना चाहिए, व्हाट शुड बी द ब्रशेस, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ पेपर, एवरी थिंग. ये कोर्स है जुलाई में, विच इज 9th of July. द प्राइस इज ऑल्सो वेरी बेसिक. वैसे इस कोर्स की कॉस्ट है 1070 रुपीज, बट 3 डेज का अर्ली डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये शॉर्ट कोर्स आपको पड़ेगा 833 रुपीज का. एंड उसके भी ऊपर अगर आप मेरा कूपन कोड एड करते हो विच इज शिवांगी, देन दिस विल कॉस्ट यू 750 रुपीज गाइज, विच इज सो चीप. इसमें ना बट एक कैच है जो कि थोड़ा सैड है, विच इज कि सीट्स थोड़ी लिमिटेड है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, एनरोल नाउ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग सीट्स मिस कर दे. सो हरी अप, एंड कोर्स की सारी डिटेल्स एंड इम्पोर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे है, सो गो चेक इट आउट एंड हम साथ में धमाल करेंगे. एनीवे गाइस, मूविंग ऑन, आई नो अब आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हो. अब एक और एक्साइटमेंट भी है, विच इज दिस वीडियो. सो आते हैं, चलते हैं अब इस वीडियो के साथ, चलें. सो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ अपनी पुरानी स्केच बुक एंड मैं अपना फर्स्ट पीस इसी से स्टार्ट करूंगी. एडिशनली आज मैं अपनी इस वीडियो में इसी बेसिक सी एंड नॉर्मल सी पेंसिल का यूज करूंगी डिफरेंट तरीके की आर्ट वर्क्स क्रिएट करने के लिए. बिकॉज लोगों को लगता है कि हमारे पास शेडिंग पेंसिल होनी चाहिए हर चीज के लिए, बट वेट डूड, वी आर गोना डू समथिंग क्रेजी. सो मेरे पास जितनी भी बेसिक HB पेंसिल्स है, मैं उनको शार्पन करके उनका छिलका निकालूंगी एंड उसकी हेल्प से डूडलिंग करूंगी. साउंड्स एक्साइटिंग राइट? मैं जल्दी से इन छिलकों को फेविकॉल की हेल्प से स्टिक करूंगी एंड देन इन पे डूडलिंग करना स्टार्ट कर दूंगी. सो यहाँ पे कोई थीम नहीं है, यहाँ पे सब कुछ रैंडम होने वाला है. सो मैं बस रैंडम शेप्स के इन छिलकों को चिपकाने वाली हूँ एंड देन जस्ट गोना बी भगवान भरोसे, बिकॉज सीरियसली मेरे दिमाग में कुछ नहीं है. सो यस, आई एम गोना फॉलो द सेम स्टेप एंड मैं मल्टीपल डूडल्स बनाने वाली हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट स्टॉप, आई डोंट नो व्हाई, मुझे इतना मजा आ रहा है इस चीज में. एक डूडल, आई एम नॉट इवन किडिंग, आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी माई फेवरेट पास टाइम नाउ, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग. Moving on with our second piece. Second तो नहीं, पता नहीं कितने pieces बना दिए, but anyway, second art form. I am thinking to create some stickers here. And I was just thinking, जरूरी थोड़ा है हमेशा stickers colorful ही होने चाहिए. क्यों? What do you think? इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं black and white sticker ही बना दूँ यार. I'm gonna make 4 to 5 stickers here, and मैं अपनी ही random theme के साथ जा रही हूँ जो कि मैं हमेशा करती हूँ. So basically मुझे जो जो चीजें पसंद है मैं वो बनाऊंगी. By the way, in case if you are कि ये फोर्थ पीस क्या बना रही हूँ मैं, तो यार आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट एक
ट्विस्टर करके आइसक्रीम आती थी जो कि मेरी फेवरेट थी। आई रिमेम्बर वो क्वालिटी वॉल्स की होती थी एंड मैं पागल थी उसके पीछे। सो आई जस्ट थॉट ऑफ ड्रॉइंग दैट हियर। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम मैं सिर्फ पेंसिल को यूज करके ही सब कुछ कर रही हूँ। आई नो दिस इज अ बिट वियर्ड फॉर मी एज वेल, क्योंकि आपसे ज्यादा कलर से प्यार मुझे है। आई होप आपको ये बात पता होगी। एंड इमेजिन मैं आज जो भी बनाने जा रही हूँ मैं उसमें कलर्स नहीं ऐड करूंगी। सो यू सी दिस इज गोइंग टू बी वे टू डिफिकल्ट फॉर मी, बट देन जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। काफी बढ़िया लग रहा है यार ये। अब मैं इन स्टिकर्स के पीछे डबल साइडेड टेप लगा के इसे कंप्लीट करूंगी। अब जो मेरी डायरी है मैं उस पे इसे स्टिक करना स्टार्ट कर दूंगी। आई होप आपको याद है कौन सी डायरी है। वाशी टेप की भी जर्नलिंग करी हुई है। एंड देन फाइनली ओ माय गॉड दिस इज लुकिंग सो प्रिटी। मैं फटाफट इन्हें स्टिक करना स्टार्ट कर दूंगी जस्ट टू शो यू गाइज ये लगाने के बाद कैसा लगेगा। एंड ऑफकोर्स इसका ये शाइनी इफेक्ट भी काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वाले स्टिकर कैसे लगे यार, बिकॉज मुझे ये काफी डिफरेंट लगे। नाउ मूविंग ऑन टू अवर थर्ड कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैं डिफरेंट तरीके की स्केच बुक यूज कर रही हूँ जो कि मैंने कुछ टाइम पहले ही ली थी। एनीवे मैं यहाँ पे 5 मिनट का ही आर्ट करने वाली हूँ, सो यू कैन नॉट जज मी की ओह माय गॉड दिस इज सो बेसिक। बेसिक है तभी तो 5 मिनट में बन रहा है ना भाई। एनीवे सो यहाँ पे मैं सबसे पहले बेस में रफली, बाय द वे यार मैं सिर्फ इसी पेंसिल को यूज करके बनाने जा रही हूँ। दैट इज गोइंग टू बी अ बिट ट्रिकी बिकॉज You guys know it, right? एक पॉइंट के बाद ज्यादा डार्क नहीं हो पाती है। So yes, I'm gonna complete a floral pattern here because I don't know what, यार मुझे फ्लोरल पैटर्न से प्यार है, मुझे फ्लावर्स से प्यार है, मुझे लीव से प्यार है। ये प्यार खत्म नहीं होने वाला है गाइस। ज्यादा डिटेल्स मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकती बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट मैन, बट एनीवे मैं छोटी मोटी डिटेल्स के साथ जल्दी से फटाफट इसे कंप्लीट करूंगी एंड दिस इज व्हाट द फाइनल पीस विल लुक लाइक। ऑफ कोर्स ये एकदम से आर्टिस्टिक पीस नहीं है बट दिस इज फाइन राइट। अगर आप बोर हो रहे हो तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। मैं तो करूंगी, आपको भी करना चाहिए। मूविंग ऑन टू अ फाइनल पीस, यहाँ मैं सोच रही हूँ एक बुक मार्क बनाने का एंड माई प्लान इज टू मेक अ ट्री। सो ट्री मैं बनाऊंगी नॉर्मल पेंसिल की हेल्प से एंड जो उसकी लीव्स होंगी ना वो मैं पेंसिल के कचड़े से बनाऊंगी। दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट टाइम मैं कुछ ये भी ट्राई कर रही हूँ। आई स्वेयर मैंने नहीं ट्राई किया था ये सब। सो आई एम रियली हैप्पी यार इस यूट्यूब चैनल के चक्कर में मैं खुद को कितना एक्सप्लोर कर रही हूँ। एनीवे गाइस कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसा कि मैंने बोला था कि जो मैं कोर्स डिजाइन करने वाली हूँ वो लाइव होने वाला है। मैं लाइव आके पेंटिंग करने वाली हूँ, सारी ट्रिक्स बताने वाली हूँ, सारी टेक्निक्स बताने वाली हूँ, बट दिक्कत यही है कि सीट्स लिमिटेड है। सो यस हरी अप नाउ एनरोल योर सेल्फ राइट अवे। मैं लाइव मतलब आप इमेजिन करो कि आप मेरे घर पे बैठ के मुझे ड्रॉइंग सीख रहे हो। How exciting is that, right? Course की सारी details description link पे है, so go check it out and मिलते हैं यार live session पे। Oh God, I'm so excited. Okay guys, this was it for today's video. Do let me know in the comment section below आपको आज की video कैसी लगी and बोलू क्या फिर से? I love you guys.